तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो भाई जैसा कि तुम सब लोगों को पता है, रमजान चल रहा है, रमजान मुबारक आप सबको। तो रमजान के मुताबिक मुझे थोड़े से आइडियाज अपने कुछ रोकने पड़ते हैं, कुछ मॉडिफाई करने पड़ते हैं। तो आज बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि आज हम जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर और जाके देखेंगे 100 रील्स और देखेंगे इंस्टाग्राम हमें क्या रिकमेंड करता है। चलते हैं फिर सीधा, लेट्स गो। ओके भाई, instagram.com/ तो गाइस रील नंबर 1, लेट्स गो। गुड गाइस, गुड। ऐसे ही 50-50 केजी के तीन, मेरी वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगी जो मैं चाहता नहीं हूँ। डर गई। अभी लड़ लेती हूँ, बाद में बोल दूंगी पीरियड्स चल रहे हैं। नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस। 65 केजी डेडलिफ्ट। और यू कैन मेक प्रोग्रेस। हम पे तो आई नो। बिकॉज़ योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। ज्यादा फ्यूचर बचा तो नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। 15 पुत्र बाण। पापा 20,000 रुपए देना, थोड़ी जरूरत। एनिमल मूवी इफ अनिल कपूर वाज मिडिल क्लास। जरूरत है। और मुझे 10,000 रुपए दो। कल ही तो तुम दोनों को 10,000 रुपए दिए थे। बुड्ढे तुझसे कितनी बार कहा है, हमारी बात एक बार में सुना कर। इधर आइए जरा। अरे भाई 20,000 रुपए देना। इधर आइए जरा। कुरान मजीद में सूरह मुल्क में कहा गया है, देखो सिर्फ हंसी मजाक मौज मस्ती नहीं, साथ साथ तुम्हें मैं अच्छी अच्छी चीजें भी सिखाऊंगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था। एक शख्स ओंधे मुंह अपने पेट के बल जो है घिसट रहा है, उसे क्या नजर आएगा मंजिल कहाँ है, जाना किधर है। हम अपने वतन और फर्ज के तकाजों की बुनियाद पर जिंदा है। इंस्टिंक्ट्स है जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, पेट खाने को मांगता है। उसमें भी कोई उमंग नहीं है, उसमें भी कोई ऊंचे उठने की ख्वाहिश नहीं है। बस मैं कहा करता हूँ, वो जिंदगी नहीं गुजारते, जिंदगी उन्हें गुजारती है। जिंदगी उन्हें गुजारती है, लेकिन ये कि वो जिंदगी गुजारना, वो तो ये है कि आपका कोई ना कोई नस्बुल ऐन, कोई आइडियल, कोई हायर जो आपका एक मकसूद और मतलूब हो। अच्छी बात है। आई स्पोर्ट। कुड़ियां सारा दिन अच्छी अच्छी चीजा दी रेसिपियां देख दी रहनिया, शाम नु फिर ओही टैंक ते पकौड़े बना लेनी। तो तेरे हाथ पाँव नहीं है, उठ के जा बना ले, बना उठ के जा। आज मुझे ये जोश चढ़ा था गाइस, और मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं गया, मैंने कहा आज कुछ काम करें, मैंने एक ग्लास उठाया और उसे धोया, और फिर मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। जी हाँ गाइस, मैंने तोड़ दिया ग्लास धोते हुए, और फिर आगे क्या हुआ, और फिर ये मेरी उंगली का हाल हुआ। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बेहतर है कि मैं बाहर ही रहा करूँ, किचन में ना घुसा करूँ। चलो रोमांस बाद में करना, बैठ जाता चुके। हाँ पहले ही हम बदनाम है। हम कौन? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये कहाँ शार है, ये शुएब मलिक और वो समझ गया। मैं रेफरेंस समझ गया। तुम लोगों की शादी तो हमारे शो से पहले हुई थी ना? नहीं, ये आता तो था तब भी नहीं, लास्ट ईयर हुई थी। क्या था? मैंने देखा तो था तुम्हें, शादी से पहले आते थे ना तुम। ऐसे लाइव जियो, अपने आप को शाबाश देते रहो। यस भाई, जिसकी शादी नहीं हो रही वो फहद मुस्तफा के शो में जाना शुरू कर दे, हो जाएगी शादी। लेकिन मुझे जानना है वहाँ हुआ क्या फिर ट्रक वाले के साथ। प्रोग्राम तो वड़ गया। शी थिंक्स शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मीनवाइल माय फ्रेंड विदाउट बियर्ड। बात तो ठीक है वैसे। तेरा मैं इंक्वायरी कराना, तेरा मैं साफ लाना, चेक करना मैं तुम्हें। रोजा जो है वो फजर से लेकर और गुरु आफ्ताब तक, तुलुए आफ्ताब से नहीं फजर से, जबकि वो सफेदाए सहर जिसको कहते हैं नमूदार हो जाए। तुलुए आफ्ताब को अभी 1.5 घंटे बाद होगा कहीं जाके। इस हवाले से इससे पहले खाना पीना, और इसमें भी फरमाया गया कि पांच लोग बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं, वो सही नहीं है। इसलिए कि फजर के लिए अजान जब देते थे तो उसमें बाज़ हज़रात ज़रा जल्दी कर देते हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं देखो ये ज़रा जल्दी कर देते हैं, अगर तुम में से किसी के हाथ में प्याला है अभी वो कुछ खा रहा है, अजान हो गई है, तो वो अपना प्याला पूरा कर ले। इसमें भी तशद्दुद की ज़रूरत नहीं। इधर तो भाई जल्दी जल्दी भाई बस हो जाए, अजान से पहले पहले सब कुछ कर ले। देखो आज तुम्हें मैं अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई डिड मीट अदर पीपल बट
In my mind, I was committed to him. उस लड़ाई के बीच में भी हम unconsciously एक दूसरे को पानी पिला रहे थे क्योंकि अंदर से हम लोग बाहर से हम लोग कितना भी लड़ रहे हो अंदर से हमारे अंदर unconscious mind में ये था कि भाई ये क्या बोलते हैं अच्छाई थी हमारे अंदर। pre-planned था भाई चाहिए बनाई जा रहे सबको यार क्यों वो लोग बन भी रहे हैं भाई नजर नहीं आ रहा क्या अभी मैंने देखा गाने का वो टीजर या पता नहीं कोई सीजन या सीरीज कोई टीजर अपलोड किया उसमें ये भाई साहब भी है हद हो गई यार। माँ प्यो ने मैनू औरतों की इज्जत करना सिखाया बट दे नेवर टेल मी एनीथिंग अबाउट द बिच लेजेंड भाई लेजेंड। ये जो इछरा लाहौर के अंदर वाकया हुआ इसमें मेरे नजदीक इस पूरे वाक्य में जो सबसे बड़ा हीरो है ना वो क्रिश्चियन लड़का है जॉनसन जिसका वो फूड पॉइंट था अपनी जान पर खेलकर उसने पुलिस को अलग से फोन किया और वो जो हमारी बहन थी और उसका हस्बैंड उसे अपनी दुकान के अंदर बना दी। असल हीरो अगर कोई है ना तो वो जॉनसन है। ये वो काम है जो बड़े बड़े मजहबी लोग नहीं कर सकते सबको अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है जॉनसन है ये और ये मजहब के क्रिश्चियन और किसी ने भाई उसको क्रेडिट ही नहीं दिया सब पुलिस के पीछे लगे और लेकिन इन्होंने उस लड़की की जान बचाई इसको अंदर बिठा दिया और साथ जो है उसके हस्बैंड भी थे और दोनों वो शॉपिंग कंफ्यूज हो गए थे वो जैसे उन पे क़यामत बरपा नहीं होगी लेकिन हमें ये होना चाहिए कि जब तक ये तस्दीक ना हो जज पूरा जज करना चाहिए कि वाकई ये कहानी आया थी और सारा क्रेडिट दे दिया हमने भाई पुलिस पुलिस तक बाहर पहुंची ही उस बंदे की वजह से यही अगर हम इसको थोड़ा अप्रिशिएट करते इसको थोड़ा कुछ कुछ प्राइज वाइज देते तो लोगों को भी पता हो गया भाई नेक्स्ट अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करना है। We also see in men 1300% increase in testosterone just from somewhere between a 13 to 15 hour fast. 13% increase in natural testosterone stores. Wow. And then we start to see inflammation go down. But if you stay in that fasted window, you keep going 17 hours, your brilliant body turns within and it goes, wait a second, no food's coming in. We better get stronger. So it literally takes this, the bad cells, the cells that are slowing you down, the cells that are turning into cancer, and it gets rid of those. They're called senescent cells. It literally recycles them out of your system. लेकिन तुम मौका ही नहीं देते भूख लगने का तुम स्टोरी इतना कर लेते हो फजर के टाइम पे सहरी के टाइम पे फिर सो जाते हो फिर उठते हो भूख तो होती नहीं है क्या और फिर उठ के कहते हो पता ही नहीं चले आज फिर हो जाएगा भाई तू सो के उठता था तुझे पता चलता कुछ काम करता तो तुझे पता चलता ये सब कुछ तब होता है जब भूख लगे आपको समझ आ रही है जब काम कर रहे हो आप सोए पड़े रहने से कुछ नहीं होता और ये सब कुछ मैं अपने आप को कह रहा था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश पर बुलेट प्रूफ मर्सिडीज के लिए नए टायर मैचिंग पोशेश और फ्लोर मैट्स टायर पोशिश और फ्लोर मैट्स के लिए वजारते खजाना से 2,73,00,000 रुपए की जिमनी ग्रांट तलब। मैं जिस काम के लिए आया वो करना तो है। एयर फिजिक्स की कॉपीज चेक कर रहा हूँ कराची बोर्ड की। बच्चा समझता है कि जो असेसमेंट कर रहा होता है वो अंधा है वो कुछ भी चेक करेगा और नंबर दे देगा। गौर से इसका मुताला करें फिजिक्स की कॉपीज में गाना लिखा हुआ है। पहले लिखता है बड़ा खतरनाक पेपर दिया है भाई लोग कसम से दिल दुखता है मेरी जान मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में बेबस ख्यालों में नदियों में नालों में यहाँ पे भी पूरा वो भाई कुछ तो लिखा है खाली तो नहीं छोड़ना यही तो सिखाया गया बचपन में खाली नहीं छोड़ना चाहे जो मर्जी लिख दो खाली नहीं छोड़ना ये आपकी गलती है आप क्यों पढ़ रहे हो आप ऐसे नापो हाँ ठीक है नंबर दो आगे बढ़ो। फिर मौसूफ इतना फारिग टाइम रखते हैं बकायदा म्यूजिक भी देते हैं तुन तुना तुन 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 और पता नहीं क्या क्या देखो यार कितना उसके पास टाइम दिया है उसने अपनी जिंदगी का बकायदा म्यूजिक भी लिख के गया आपको मुश्किल ना हो एंजॉय करने में। ओके लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन बिकॉज आई एम स्लीपिंग बिटवीन लेक्चर सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू क्लियर योर क्वेश्चन सो लीव मी अलोन लीव मी अलोन व्हाट लगा दी साले ने फिजिक्स नहीं अजाब पापा जी आप लोगों के साथ फाइनली अर्शद रील्स शादी बचपन में ही हो गई थी। नहीं जैनब आपकी मामा ना मेरे मामू की बेटी थी ना तब भी आपको मामा जैनब के पापा कहते थे और दुआ से पापा कहते थे नहीं जी अर्शद भाई कहते थे अर्शद भाई कहते थे अगर तो मामू की बेटी थी फिर तो अर्शद भाई कहते हो रोजे में एहतलाम हो जाए रोजा नहीं टूटता उससे नाइस क्वेश्चन आपको भी एहतलाम होता है यार ये कि ये एक तरीका है यार बेइज्जती करने का सबके सामने
आप तो गायब हो जाओगे, मार्केट से शट हो जाओगे। बट राधिका में एक चीज ब्रो डजंट इवन हेजिटेट कि उन्होंने मेरे जैसे जानवर से प्रेम। बड़ा डिस्कस हो रहा है ये 10 है या 90 है, ये तो जाली काम है ना, 10 को आपने 90 किया मतलब ये 10 कंसीडर होगा 90 होगा, नहीं 10 ही कंसीडर होगा 90 कैसे होगा, तो फिर ये 90 क्यों नजर आ रहा है, इफ यू नो यू नो, ये 90 नजर क्यों आ रहा है, ये मेरी और आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता, तो ये वैसे मार्केट में 10 की हैसियत से चलेगा 90 की हैसियत से, 10 रुपए है ये, 90 की हैसियत से नहीं चल सकता, आप जो कहना चाहते हो मुझे समझ आ गई है। गुड वन आ रहा हूं बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूं, समझ लिया कि रमजान का खुदा कोई और है और गैर रमजान का खुदा और है, तो जज्बात में पड़ रहे होते हैं, इसलिए जैसे ईद आती है तो फारिग हो जाते हैं, पहले 10 दिनों में जितनी सफे होती हैं अगले 10 दिनों में उससे कम होती हैं, जिनके जज्बात जरा ज्यादा होते हैं ना वो अगले 10 दिन भी निकाल जाते हैं, और जिनके उससे थोड़े ज्यादा होते हैं वो उससे अगले 10 दिन भी, तो चांद रात तक सारे जज्बात ठंडे हो चुके होते हैं, चूंकि कन्विक्शन वाला ईमान नहीं ना होता, जज्बात वाला होता है। सैड बट ट्रू। 144p 240 480 720 मुझे पता है कहाँ जा रही है। यू जिसने इस वीडियो को लाइक किया, कुछ तरीका है भीख मांगने का? जो लड़के लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं क्या उनका लड़कियों के लिए बनना सवरना ब्याह हो लैण दे, मैं तेनु पूछ लांगा तेरा। माय गेमिंग स्किल्स देन कोविड के टाइम में मुझे पता था इसी की आएगी कोई ना कोई वीडियो। माय गेमिंग स्किल्स नाउ ट्रू भाई फैक्ट्स। ब्रदर जी आप घर में सबसे बड़े भाई हैं राइट जी, काफी रिस्पांसिबिलिटीज होती होंगी, होती हैं, प्रेशर फील होता होगा, प्रेशर क्यों, आपका भी कुछ दिल चाहता होगा, क्या दिल चाहता है आपका? मेरा दिल चाहता है मेरा भी बड़ा भाई होता। लेकिन मुझे क्या, मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो, और आज हमने देखी इंस्टाग्राम के ऊपर 100 रील्स जो कि टोटली रैंडम थी, किसी को हमने लाइक या शेयर वगैरह नहीं किया ताकि इंस्टाग्राम को कोई हिंट ना जाए हमारी तरफ से। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या हमें ये चीज टिकटॉक के साथ भी ट्राई करनी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।